ये टीथ कैविटीज यानी दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। टीथ कैविटीज आपके दांतों को डैमेज करके आपका दर्द से बुरा हाल कर देती हैं। रिसर्चर्स के अनुसार वर्ल्ड में 92% एडल्ट्स में टीथ कैविटीज हैं और इसका रीजन है ये शुगरी फूड। जब भी आप कुछ खाते हो तो दांतों में फंसा हुआ ये खाना आपके मुंह में मौजूद इन बैड बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करता है। ये बैक्टीरियाज इस रिमेनिंग फूड को खाकर फूड में मौजूद इस शुगर और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके इस तरह का एसिड आपके दांतों पर छोड़ते हैं। इससे आपके दांतों पर एसिड की प्लेक यानी लेयर बन जाती है। इस एसिड प्लेक को आपकी सलाइवा समय समय पर हटाती रहती है, लेकिन ज्यादा शुगरी फूड खाने से ये बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में एसिड बनाते हैं। एक्सेसिव एसिड से दांतों पर बनी प्लेक अब सलाइवा से साफ नहीं हो पाती है। ये एसिड प्लेक आपके दांत की कैल्शियम फॉस्फेट से बनी इस आउटर लेयर एनएमएल को डैमेज करने लगती है। आपको बता दूं कि एनएमएल लेयर काफी हार्ड होने के बावजूद ये एसिड धीरे धीरे इसको डैमेज करता हुआ कैविटी बना लेता है। इस कैविटी से बैक्टीरियाज आपके दांत की इनर लेयर्स, डेंटिन और पल्प में मौजूद टिश्यूज और नर्व्स को डैमेज कर देते हैं और इससे आपके दांतों में बहुत तेज दर्द होता है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।